रॉक राइडर ST520 और रॉक राइडर ST120 बिटवीन की दो मिड प्राइसिंग रेंज में MTB बाइक्स। रॉक राइडर ST520 बिटवीन की काफ़ी पॉपुलर और स्टाइलिश बाइक है, वहीं रॉक राइडर ST120 को बिटवीन ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है। ST520 का प्राइस है 27,999 रुपीस और ST120 मिल जाती है 23,999 रुपये में। तो फ्रेंड्स, क्या है इन दोनों बाइक्स में डिफरेंसेस और कौन सी बाइक आपको परचेज करनी चाहिए, आइए चलते हैं और देखते हैं इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मिल सके साइकिलिंग रिलेटेड अपडेट्स। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं इन बाइक्स के फ्रेम के बारे में। तो रॉक राइडर ST520 का फ्रेम बना है 6061 एल्युमिनियम का, जिसका वेट है सिर्फ 1.9 केजीज। वेट कम होने से पैडलिंग एफिशिएंट मिलती है। इसके टॉप ट्यूब में स्लोप है जिससे आपको मिलती है एक स्ट्रेटनिंग पोजीशन। साथ ही ये स्लोप सूट करता है मेल और फीमेल दोनों राइडर्स को। फ्रेम के ऊपर रॉक राइडर और ST520 के ग्राफिक्स हैं जो काफ़ी स्टाइलिश लगते हैं। ये फ्रेम आपको मिल जाएगा स्मॉल से लेकर एक्स्ट्रा लार्ज साइज में। ST520 बाइक आपको मिल जाएगी दो कलर्स में, एक है ग्रे एंड येल्लो और दूसरा है येल्लो कलर। वहीं अगर बात करें रॉक राइडर ST120 के बारे में तो इसका फ्रेम बना है 100% एल्युमिनियम का। फ्रेम की कंफर्ट फ्रेम ज्योमेट्री इस फ्रेम को लाइट और कंफर्टेबल तो बनाती ही है, साथ ही इस CGF फ्रेम की स्ट्रेंथ भी अच्छी है और ये ऑफ रोड या बम्पी रोड्स का वाइब्रेशन पर भी काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। ST520 की ही तरह इस बाइक के टॉप ट्यूब में भी अच्छा खासा स्लोप है, विच मेक्स यू सुटेबल फॉर मेल एंड फीमेल बोथ राइडर्स। ST120 आपको मिल जाती है थोड़ी सी और वाइड रेंज में, एक्स्ट्रा स्मॉल से लेकर एक्स्ट्रा लार्ज साइज में। रॉक राइडर ST120 अभी सिर्फ ब्लैक ब्लू कलर में ही लॉन्च हुई है। सो फ्रेंड्स, अगर फ्रेम की बात करें तो दोनों ही फ्रेम्स की क्वालिटी काफी अच्छी है, बट फिर भी स्ट्रेंथ और वेट के हिसाब से अपर हैंड ST520 का ही है। साथ ही ST520 के कलर ऑप्शंस ज्यादा स्टाइलिश हैं एज कम्पेयर टू ST120। हालांकि ST120 में साइज की रेंज ज्यादा है और अगर आप शॉर्ट हाइट के राइडर हैं तो ST120 में आपको ज्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे। ड्राइव ट्रेन और डिरेलर, रॉक राइडर ST520 में मिलते हैं 3x8 यानी 24 स्पीड ऑप्शंस। पीछे मिलते हैं श्रैम X3 के 3 स्पीड रेयर डिरेलर जो आते हैं श्रैम के PG820 8 कॉक कैसेट के साथ, जिनमें 11 से लेकर 32 तक की टीथ रेंज मिल जाएगी। आगे मिलते हैं शिमानो ऑल्टस या माइक्रोशिफ्ट FD M22 के 3 स्पीड फ्रंट डिरेलर। इनके ट्रिपल चेन व्हील्स मिलते हैं 22, 32 और 42 टीथ में। हैंडल बार पर मिलते हैं श्रैम X4 के क्विक शिफ्टर्स विद स्पीड इंडिकेटर्स। वहीं रॉक राइडर ST120 में मिलते हैं माइक्रोशिफ्ट RD M46L के 9 स्पीड रेयर डिरेलर जो आते हैं माइक्रोशिफ्ट के ही H0929 कॉक कैसेट के साथ, जिनमें 11 से लेकर 36 तक की टीथ रेंज मिल जाएगी। आगे मिलती है सिंगल चेन रिंग जो आती है 32 टीथ में, यानी ये बाइक आती है 1x9 टोटल 9 स्पीड ऑप्शंस के साथ। 11 से लेकर 36 टीथ की जो रेंज है इट कवर्स ऑल स्पीड्स। सो फ्रेंड्स, रॉक राइडर ST120 में सिंगल चेन रिंग होने से फ्रंट गियर शिफ्टर्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती और गियर्स को ऑपरेट करना इजी हो जाता है, खासतौर पर बिगिनर साइक्लिस्ट के लिए। साथ ही इन पार्ट्स के नहीं होने से बाइक का ओवरऑल वेट भी कम रहता है। हैंडल बार पर मिलते हैं माइक्रोशिफ्ट SL 759 के राइट शिफ्टर्स टू ऑपरेट रेयर गियर्स। सो फ्रेंड्स, गियर और डिरेलर क्वालिटी के हिसाब से श्रैम के गियर ज्यादा अच्छे हैं एज कम्पेयर टू माइक्रोशिफ्ट, एंड देयरफॉर ST520 हैज अपर हैंड इन ड्राइव ट्रेन एंड शिफ्टर्स सेक्शन। हालांकि ST120 में अच्छी बात यह है कि सिर्फ फ्रंट शिफ्टर होने की वजह से गियर्स का ऑपरेशन इज क्वाइट सिंपल। सस्पेंशन, रॉक राइडर ST520 और रॉक राइडर ST120 दोनों में ही मिलता है फ्रंट में सस्पेंशन जो 80 mm तक ट्रेवल कर सकता है। ये सस्पेंशन अनइवन ट्रेल्स या ऑफ रोड्स पर काफी इफेक्टिव है। दोनों ही बाइक्स में मिलता है वेट एडजस्टर व्हील जिसकी रेंज है 55 किलोग्राम से लेकर 105 किलोग्राम तक। अपने वेट के हिसाब से आप यहां से सस्पेंशन की स्टिफनेस को एडजस्ट कर सकते हैं। सो दोनों बाइक्स को सस्पेंशन में बराबर पॉइंट्स ही मिलेंगे। हैंडल बार, स्टेम, ग्रिप्स, रॉक राइडर ST520 का हैंडल बार है एल्युमिनियम का जिसकी लेंथ है 680 mm। इसकी स्टेम 80 mm की है जो बनी है लाइट वेट एल्युमिनियम से। ये स्टेम आती है इन 5 एडजस्टमेंट इंटरवल्स के साथ, इसकी हेल्प से आप स्टेम को 30 mm तक रेस कर सकते हैं। वहीं रॉक राइडर ST120 का हैंडल बार है स्टील का जिसकी लेंथ है 640 mm। रॉक राइडर ST120 में 90 mm का एल्युमिनियम का स्टेम है। ये स्टेम
10 डिग्री पर डिजाइंड है। फ्रेंड्स यहाँ पर ST520 में एल्युमिनियम का लाइट वेट हैंडल बार है जिसकी लेंथ परफेक्ट है। हालांकि 640 मिलीमीटर की लेंथ भी स्टेबिलिटी और कंट्रोलिंग के लिए अच्छी है, लेकिन ST520 में 680 मिलीमीटर के हैंडल बार से माइन्यूट कंट्रोलिंग ज्यादा अच्छी मिलेगी, खासतौर पर टर्निंग के टाइम पर। हैंडल बार पर मिलने वाले ग्रिप्स दोनों ही बाइक्स में सिमिलर क्वालिटी के हैं। ब्रेक्स, फ्रेंड्स रॉक राइडर ST520 में हेयस MX5 के मैकेनिकल डबल डिस्क ब्रेक्स हैं। हैंडल बार पर मिलते हैं ट्रैक्टर के एल्युमिनियम ब्रेक लीवर्स जो काफी हल्के, प्रिसाइज और इजी टू होल्ड हैं। वहीं रॉक राइडर ST120 में ट्रैक्टर TKD68 या हेयस MX5 के ही 160 मिलीमीटर के डबल डिस्क ब्रेक्स हैं और ये भी ऑपरेट होते हैं ट्रैक्टर के एल्युमिनियम ब्रेक लीवर से। फ्रेंड्स दोनों ही बाइक्स में ब्रेक्स सिमिलर हैं और इनकी ब्रेकिंग क्वालिटी काफी अच्छी है। बिटवीन की बाकी बाइक्स की तरह ये ब्रेक्स भी सिर्फ दो उंगलियों से ऑपरेट हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स ब्रेकिंग में मिलेंगे दोनों ही बाइक्स को सेम पॉइंट। टायर्स, फ्रेंड्स रॉक राइडर ST520 और रॉक राइडर ST120 दोनों ही बाइक्स में मिलते हैं 27.5 इंचेस के टायर्स जो 2 इंचेस वाइड हैं और इन टायर्स पर ग्रिप प्रोफाइल काफी अच्छी है। ये टायर्स आते हैं 27.5 इंचेस डबल वॉल्ड रिम्स के साथ। इन रिम्स में मिलते हैं 28 स्पोक्स जो लाइट वेट, स्टिफ और ड्यूरेबल हैं। दोनों ही बाइक्स में मिल जाते हैं टायर्स पर क्विक रिलीज लीवर। सो फ्रेंड्स इन दोनों बाइक्स में टायर्स और रिम्स की क्वालिटी और परफॉर्मेंस सिमिलर है और आपको सिमिलर राइडिंग कम्फर्ट ही मिलेगा। सैडल सीट पोस्ट, फ्रेंड्स अगर सैडल की बात करें तो दोनों ही बाइक्स में मिलता है हैमॉक सैडल जिसका डिजाइन काफी स्पोर्टी है and it's good for comfortable rides. Rock Rider ST520 और Rock Rider ST120 दोनों में ही सीट पोस्ट पर मिलता है क्विक रिलीज लीवर जिससे सीट की हाइट एडजस्ट करना इज क्वाइट इजी। साइकिल में मिलते हैं प्लेटफॉर्म MTB पैडल्स जो काफी हल्के हैं और सेफ राइड के लिए अच्छे हैं। सो फ्रेंड्स सैडल्स और पैडल्स की क्वालिटी से आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और आप दोनों में से किसी को भी कंसिडर कर सकते हैं। लाइफ टाइम वारंटी, दोनों ही साइकिल में कंपनी देती है लाइफ टाइम वारंटी फ्रेम, स्टेम और हैंडल बार्स पर और 2 साल की वारंटी नॉन वेयरिंग पार्ट्स पर। प्राइस, फ्रेंड्स बात करते हैं इस बाइक के प्राइस की। रॉक राइडर ST520 आपको मिल जाएगी 27,999 रुपीज में और ST120 का प्राइस है 23,999 रुपीज। सो यहाँ पर प्राइस में 4,000 रुपए का डिफरेंस जरूर है। वर्डिक्ट, फ्रेंड्स फाइनली मैं देता हूँ आपको अपना वर्डिक्ट। सो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं एक स्टाइलिश MTB विद श्रैम क्वालिटी गियर्स विद मोर स्पीड ऑप्शंस, साथ ही लाइट वेट हैंडल बार और फ्रेम, तो आप रॉक राइडर ST520 को कंसिडर कर सकते हैं। वहीं अगर आप चाहते हैं एक लाइट वेट सिंपल गियर ऑपरेशन वाली बाइक जिसमें खासतौर पर ज्यादा साइजेस के ऑप्शंस मिल जाएं और जो कम बजट में ST520 जैसी ही परफॉर्मेंस दे, तो आप रॉक राइडर ST120 को ही परचेज कर लीजिए। रॉक राइडर ST520 और रॉक राइडर ST120 के स्पेसिफिकेशंस अपने अपने बजट में काफी पावर पैक्ड परफॉर्मेंस वाले स्पेक्स हैं। इन स्पेक्स के साथ आपको ट्रेल्स पर अच्छी राइडिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। सो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो। बाकी फ्रेंड्स आप इन दोनों बाइक्स के बारे में क्या सोचते हैं और आपके पास इनमें से कौन सी बाइक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपकी कोई क्वेरी या फीडबैक है तो मुझे जरूर लिखिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साइकिलिंग करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।